नमस्कार मित्रों, पुनीत एस्ट्रोलॉजी हिंदी के अगले वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बुध उच्च के गोचर कर रहे थे कन्या राशि में। बुध का गोचर 22 सितंबर को तुला राशि में होगा। बुध क्या करेंगे तुला राशि में? तुला राशि शुक्र की राशि है, दोस्त की राशि है, मित्र हैं शुक्र बुध के, और बुध वाणी के, बुध फाइनेंसेस के, बुध पैसों के, ट्रांजैक्शंस, एजुकेशन, इंटेलेक्ट, इन सब के स्वामी हैं। नंबर्स, एनालिटिकल स्किल्स बुध की सबसे बड़ी खास बात है, और बुध जिस पे मेहरबान होते हैं उसके ऊपर वाणी और जिसको बोलते हैं स्पीकिंग कैपेसिटी, वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो जब बुध शुक्र की तुला राशि में जाते हैं तो क्या असर दिखाते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। पर उससे पहले इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिले मेरे वीडियो की नोटिफिकेशंस। अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन लेनी है तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आप मुझे सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें मैं चंद्र के गोचर के बारे में डिटेल में बताऊंगा, यानी हर बार जब चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे तो एक छोटा सा वीडियो आपके लिए IGTV इंस्टाग्राम TV पे मिल जाएगा आपको। वो वीडियो YouTube पे नहीं आएगा, वो वीडियो एक्सक्लूसिव इंस्टाग्राम के लिए रहेगा, क्योंकि वो छोटा सा वीडियो होगा। वो वीडियो आपको एक डे टू डे एक्टिविटी, डे टू डे एक कैसे प्रिपेयर करें अपने आप को, उसके लिए आपको फायदा पहुंचा सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं मरकरी का तुला राशि में फल। बुध तुला राशि में जब जाते हैं तो बुध अपनी एक राशि मिथुन राशि से पंचम हो जाते हैं और कन्या राशि से द्वितीय। मिथुन राशि जो है वो कम्युनिकेशन की राशि है, मिथुन राशि वार्तालाप की राशि है, मिथुन राशि से आप लोगों से मिल सकते हैं, इंटरनेट कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, सोशल मीडिया कह सकते हैं, लेखनी, बुकिंग, बुक लिखना, बुक पढ़ना, ये भी मिथुन राशि का ही काम है। इसके साथ साथ अगर हम कन्या राशि के बारे में बात करें तो कन्या राशि ऐसे तो काल पुरुष की छठी यानी कि प्रारब्ध कर्म की राशि है, लेकिन जॉब के रेस्पेक्ट में ये बहुत अच्छा काम दिखाती है। साथ में एनालिसिस, मैथमेटिक्स, इन सब को भी कन्या राशि से देखा जाता है। जब बुध कन्या राशि से द्वितीय चले जाते हैं तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में उसमें थोड़ा बैलेंस आएगा, यानी कि आप अपने एफर्ट से लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, आपको मदद भी मिलेगी बाहर से। और बुध अपनी मित्र राशि तुला राशि में जाने के बाद जिंदगी को एक सही दिशा में ले जाने के लिए अग्रसर हो जाते हैं, सही उससे आपको प्रोत्साहित भी करते हैं, आपको बस सही रास्ते पे चलने के लिए अपने आप को रेडी करना है। अब क्विकली हम जानेंगे हर राशि के बारे में कि क्या होगा आप पे इसका असर। अगर आपकी मेष राशि है तो आपके लिए बुध तीसरे और छठे भाव के स्वामी हो जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बिजनेस में आपको फायदा मिलेगा, विवाह में किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन ऐसा ना करें जिससे कि आपको तकलीफ हो जाए। भाइयों के साथ व्यवहार में अच्छा संबंध बनेगा और भाई के साथ या कज़न ब्रदर के साथ आपके बिजनेस इस्टेब्लिश हो सकते हैं, नए बिजनेस, नए करियर की शुरुआत हो सकती है। जॉब वालों के लिए भी काफ़ी फेवरेबल टाइम है, बस आपको क्या नहीं करना कि किसी भी तरीके का ऐसा कमेंट ना कर दें, ऐसी कोई बात न कह दें जिससे कि कोई लिटिगेशन या कोई कोर्ट केस आप पे आ जाए। ओवरऑल ये ट्रांजिट आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, और इसके लिए आप गणेश भगवान की वंदना करें, ओम गणपते नमः का जाप करें, आपके लिए दिन शुभ हो रहेंगे। अगली राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए बुध जो है वो द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी हैं और वो आपके छठे भाव में चले जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका पैसा खर्च हो सकता है बिना बात का, शत्रुओं पे, किसी कोर्ट के ऊपर या किसी ऐसी चीज़ के ऊपर नुकसान हो सकता है आपका, कोई चीज़ टूट सकती है जिसके ऊपर आपका पैसा खर्च हो सकता है, आपकी बातों से कोई कॉन्ट्रोवर्सी आ सकती है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, फूड सेंसिटिविटी आपकी बॉडी में बढ़ सकती है, बच्चों को लेकर के थोड़ी चिंता आपको हो सकती है। और स्टार्टिंग में चूंकि राहु आपके लगन में रहेंगे उसी वक्त बुध का गोचर तुला में हो रहा है, सिक्स्थ हाउस में हो रहा है, तो स्टार्टिंग का जो महीना है उसको थोड़ा आपको संभाल करके चलना है, क्योंकि हाई सेंसिटिविटी टाइम जोन इसको बोल सकते हैं। पर ओवरऑल ऐसी कोई बहुत बड़ी नेगेटिव चीज़ नहीं रहेगी अगर आप अपने आप को कंट्रोल करके चलते हैं और बैलेंस करके चलते हैं। यहाँ पे सिक्स्थ हाउस में अपने जिसको सिक्स्थ हाउस होता है जॉब, सिक्स्थ हाउस हो जाता है समय का पहिया,
यहाँ पे छोटे जानवरों की सेवा, पक्षियों की खासकर सेवा, और यहाँ पे आप गणेश अथर्वशीर्ष का अगर जाप करें तो आपको लाभ मिलेगा। अगली राशि आती है मिथुन राशि। आपके लग्न और आपके चौथे भाव यानी कि आपका चंद्र लग्न और चौथे भाव के स्वामी बुध पंचम भाव में बैठते हैं, यानी कि यहाँ पे बोलते हैं कि आपको अपग्रेड करना है, आपको अपने एक्सप्रेशन को और मजबूत करना है। जो जर्नलिज्म से जुड़े हैं, जो मीडिया हाउसेस से जुड़े हैं, जो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो लेखक हैं, कवि हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। टीचर्स के लिए भी बहुत अच्छा समय है। और ओवरऑल अगर आप किसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हैं तो आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ये एक अच्छा टाइम है कोई नई स्किल, नई एजुकेशन को लेने का। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। माँ सरस्वती की वंदना करें, ओम ऐम सरस्वते नमः, इस मंत्र का आप जाप करें, आपको फायदा मिलेगा। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए बुध 12वें और तीसरे भाव के स्वामी हैं, ये जाते हैं चौथे भाव में, यानी कि विदेश से पैसा घर आ सकता है, विदेश से कोई पॉजिटिव चीज़ आपके पास आ सकती है, घर में आ सकती है। और इससे एक और फायदा होता है कि आप थोड़ा कंफर्ट के बारे में, अपने लाइफ में जिसको बोलते हैं सुकून, उसके बारे में आप ज़्यादा फोकस करते हो। माँ को थोड़ा सा कष्ट हो सकता है तो माँ की सेवा ज़रूर करें। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की ये बात है कि घर में किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन अगर आप करें घर से रिलेटेड, जैसे बैंक के लिए होम लोन लेना, घर में कोई रेनोवेशन करना है उसके लिए ट्रांजैक्शन करना, या किसी भी तरीके की गाड़ी संबंधित चीज़ों को अगर आप उसमें पैसा खर्चा करें, होटल ले रहे हैं, यानी कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी वाहन अगर आप खरीद रहे हैं तो उसमें थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इमोशन से ना चलें, दिमाग से चलें। और मंगल आपके 10वें भाव में करियर को लेकर के काफ़ी उत्सुकता पैदा करेगा। विदेश जाने के संयोग बन सकते हैं, घर से दूर जाने के संयोग भी बन सकते हैं। अगर आप घर से दूर जाना चाहते हैं, करियर में चेंज चाहते हैं, तो ये अच्छा समय रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए बुध आपके 11वें और दूसरे भाव के स्वामी हैं और वो तीसरे भाव में चले जाते हैं, काफ़ी अच्छा योग बन रहा है। यहाँ पे इनकम रिलेटेड चेंजेस अगर आप चाहते हैं आप कर सकते हैं, नए बिजनेस की शुरुआत हो सकती है, नए काम की शुरुआत हो सकती है। और यहाँ पे बस आपको क्या करना है, अपने एक्सप्रेशन को मजबूत करना है, सही दिशा में सही तरीके से बात को कैसे रखें बिना अहंकार के, ये आपको देखना होगा। ओवरऑल ये ट्रांजिट आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, भाग्य परिवर्तन करने वाला ट्रांजिट रहेगा। बस ट्रैवल अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, सामान खोने या चोरी हो जाने का डर बन सकता है। किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन आपका आग की तरह फैलेगा, तो शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करें। ओवरऑल ये आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए बुध आपके 10वें और आपके चंद्र लग्न के स्वामी दूसरे भाव में जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा योग बन रहा है, नए काम बनेंगे, करियर में चेंजेस आएगा, पॉजिटिविटी आती है, धन बढ़ने की संभावना है, धन का सही उपयोग का मौका मिलेगा आपको, बैंक की सही जगह इन्वेस्टमेंट, आपका माइंड एक बैलेंस अचीव करने की बात करेगा, लोग आपकी बातों से काफ़ी खुश रहेंगे। और कम्युनिकेशन स्किल में फूड रिलेटेड बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा यहाँ पे मिलेगा। कन्या राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छा समय है अपने आप को एक बार वापस एनालिसिस करने का, अपने आप को रीवैल्यूएट करने का। आप अपनी स्किल्स को पहचानें, स्ट्रांग और वीक एरियाज़ को पहचानें और वीक एरियाज़ को एलिमिनेट करें, इसमें बुध आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी अगर आपका पुश्तैनी अगर आपका पैसा है तो उसको जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं सोच समझ के करें, किसी पे भरोसा ना करें, खुद पे ज़्यादा, अपने एनालिसिस को ज़्यादा विश्वास करें, अपनी गट फीलिंग को देख करके चलें। तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए बुध जो हैं वो 9th और 12th हाउस के स्वामी हैं, यानी कि यहाँ पे आपके लगन के ऊपर यानी कि आपके राशि के ऊपर बुध आ रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत आपको आ सकती है। एक तरफ भाग्यस्थान का मालिक आपके राशि के ऊपर आ रहे हैं तो यहाँ पे तो एक पॉजिटिव दिखता है, लेकिन 12वें भाव का जो स्वामी है चंद्र से 12वें वो भी लगन में आ जाते हैं तो यहाँ पे आपके विचारों में काफ़ी मतभेद आ सकता है और आपको डर लग सकता है। यहाँ पे हानि होने की संभावना भी बनती है, चीज़ें बिगड़ने की संभावना बनती है, काफ़ी सोच समझ के चले। ये सबसे ज़्यादा मैरिज को इम्पैक्ट करेगा, बिजनेस पार्टनरशिप्स को इम्पैक्ट करेगा और उसे नेगेटिव फीडबैक आके डिप्रेशन, सैडनेस, लोनलीनेस आ सकती है। तो अपने आप को ये ना समझें कि चार लोग क्या कहेंगे, जो आप कर रहे हैं अगर आप जानते हैं कि वो धर्म सम्मत है, उचित है, आपका मार्ग सही है तो उस मार्ग पर टिके रहें, कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाते रहें और सूर्य देव की पूजा करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध आपके एकादश और अष्टम भाव के स्वामी हैं, ये आपके 12वें भाव पे जाते हैं तो देखिए एक तरीके से विपरीत राजयोग बन रहा है। चंद्र आपके राशि जो स्वामी है उस पर केतु का ट्रांजिट हो रहा है, मंगल भी वक्री हो रहे हैं तो ओवरऑल ये सिनेरियो अच्छा आपके लिए नहीं रहेगा।
ये जो बुध का गोचर रहेगा ये आपके लिए थोड़ा विपरीत कार्य हो सकता है। यहाँ पे आपको काफ़ी दिक्कत आ सकती है, नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, हॉस्पिटल में भागना पड़ सकता है, बीमारी पे पैसे खर्चे हो सकते हैं, यदि खुद पे या परिवार के किसी के ऊपर। तो सब परिवार थोड़ा सोच समझ करके चलें, इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल भी ना करें, पैसा डूबने की संभावना बन सकती है। किसी को दिया हुआ पैसा वापस नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। काफ़ी सोच समझ करके आपको अपना डिसीजंस लेना होगा और अपनी एक्सपेक्टेशंस में थोड़ा सा सैक्रिफाइस देना पड़ सकता है। यहाँ पे गणेश अथर्वशीर्ष करना, गणेश वंदना करना और गणेश कवच का जाप करना आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेगा। धनुराशि वालों के लिए बुध आपके सप्तम और दशम स्थान के स्वामी हैं। ये आपके जीवन के दो बहुत महत्वपूर्ण पिलर कर्म और विवाह इसको कंट्रोल करते हैं। बुध आपके एकादश भाव में जाते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। करियर, बिजनेस, पैसा, इन सब के लिए धनुराशि वालों के लिए काफ़ी बेहतर समय होता है। आपके लग्न के ऊपर से केतु भी हट रहे हैं, वो भी 12वें भाव में जा रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत से नकारात्मक चीज़ें कट करके सकारात्मक चीज़ें बनने का योग बनता है। नए लोग जुड़ेंगे, नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, नए दोस्त बनेंगे, गुरु मिल सकते हैं, गुरु कृपा मिल सकती है। ओवरऑल धनुराशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा समय है। मकर राशि वालों के लिए बुध आपके 6th हाउस के और 9th हाउस के स्वामी हैं। ये आपके 10th हाउस में जाते हैं, खासकर जिनका जॉब है, जो जॉब के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा समय है। ट्रैवल इंडस्ट्री में काम करने वालों के लिए भी ये काफ़ी स्टेबल समय है। बुध यहाँ पे आपको उचित मार्ग दिखा सकते हैं, लोग आपको सही रास्ता बता सकते हैं, तो अपनी जो बातें हैं, मन की बातें, लोगों से कम्युनिकेट करें, वार्तालाप करें लोगों से, हो सकता है कि आपको सोल्यूशन, सही उचित सोल्यूशन मिल जाए। यहाँ पे अगर आप किसी भी तरीके से फंसे हुए हैं तो प्रोफेशनल हेल्प लेना, आप जिस किसी भी फील्ड में फंसे हैं वहाँ की प्रोफेशनल हेल्प लेना, नहीं तो सही ज्योतिष मार्ग से आप निर्णय ले सकते हैं अपने जीवन का। शनि आपके लगन पे मार्गी हो जाएंगे, आपके ऊपर लगन को बहुत पावर मिल रही है, राशि को बहुत पावर मिल रही है। ऑलरेडी आप 7.5 में चल रहे हैं तो समझ ही सकते हैं कि कितना आपको सोच समझ के जीवन में चलना है। पर बुध आपको एक मौका ज़रूर देंगे, क्योंकि बुध जो है वो शनि की उच्चस्थ राशि में जा रहे हैं, तो कर्म आपका अगर धर्म सम्मत है और सोच समझ के किया गया है, एनालिसिस के साथ किया गया है, तो बहुत अच्छा वक्त रहेगा ये। कुंभ राशि वालों के लिए जो बुध है वो पंचम और अष्टम भाव के स्वामी हैं। भाई ये बात तो आती है कि इंसान लक को टेस्ट करता है, यहाँ पे बिल्कुल भी लक को टेस्ट ना करें। स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट, स्पेकुलेटिव बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत बार सोच लें, भाग्य को बदलें लेकिन ज्ञान के थ्रू। यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखना है इस पूरे टाइम फ्रेम में। स्क्रिप्चर्स को पढ़ें, ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करें, एनालिसिस करने की कोशिश करें और बच्चों की सेहत पर ध्यान रखें। अपनी लाइफ के प्रोडक्टिविटी को कैसे इम्प्रूव करें इस पर फोकस करें, लाइफ मैनेजमेंट प्रोग्राम्स देखें और मोटिवेशनल स्पीच को देखें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ओवरऑल ये भाग्य स्थान पे बैठे हुए हैं बुध, आपके भाग्य को बैलेंस करने के लिए आ रहे हैं, आपकी लाइफ को बैलेंस करने के लिए आ रहे हैं। इन्हें एक मौका ज़रूर दें, लेकिन स्पेकुलेटिव बिजनेस में सडन गेन पाने की इच्छा आपको बहुत नुकसान दे सकती है। आगे आते हैं मीन राशि के बारे में। तो मीन राशि के जातकों के लिए बुध चौथे और सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पे बुध आपके अष्टम भाव में जाते हैं, तो यहाँ पे घर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड अचानक कार्य बन सकते हैं, अचानक विवाह के योग बन सकते हैं, अचानक आपके घर में किसी भी नए मेहमान के आने के योग बन सकते हैं, कोई नई जगह जाने के योग बन सकते हैं, तो आपके लिए तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। एक बात आपको ध्यान देने वाली ये है कि आपकी अगर मीन राशि है तो बुध आपके लिए फेवरेबल नहीं होते हैं, क्योंकि बुध मीन राशि में डेबिलिटेटेड हो जाते हैं, तो आपके इमोशंस और एनालिसिस में एक हमेशा जिसको बोलते हैं ना, युद्ध चलता रहता है कि इमोशन फॉलो करें या एनालिसिस करें। बुध जब तुला राशि में जाते हैं तो आपको एक मौका देते हैं कि आप इन दोनों एरियाज को बैलेंस कर सको, तो अपने लाइफ में ये कोशिश करेगा कि एक बैलेंस ला पाएं इमोशन और एनालिसिस में। अगर आप ये करते हैं तो आपके लिए ट्रांजिट बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये था 12 राशियों के बारे में बुध का गोचर और उसका गोचर फल। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। मिलते हैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और मुझसे जुड़े रहें बेल आइकन दबा करके। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपका होस्ट पुनीत, नमस्ते।